पूजा, प्रिंस और प्रज्योत तीनों अब शुभि से मिलकर जा चुके थे कि अब सोनम आ गई। उसे आते देख शुभि सच में बहुत ज्यादा खुश हो गई। सोनम ने उसे गले लगाते हुए कहा, कंग्रेचुलेशंस। शुभि ने रूठते हुए कहा, अब जाकर मैडम को टाइम मिला है मेरे पास आने का। तो इस पर सोनम ने कहा, सॉरी जान, पता है ना तुझे मेरी क्या हालत है अभी। तभी निखिल भी आदित्य के साथ अंदर आया और उसने सोनम को रुद्र को गोद में देते हुए कहा, प्लीज संभालो इसे सोनम, बहुत रो रहा है। सोनम ने बच्चे को गोद में ले शुभि से कहा, देख ले ये मुझे एक मिनट के लिए नहीं छोड़ता। शुभि उसकी हालत देख हंसती। वहीं रुद्र वो तो अपनी मम्मा की गोद में आते ही चुप हो गया। शुभि ने अब सोनम से पूछा, आद्या को नहीं लेकर आई? सोनम ने मना करते हुए कहा, नहीं, उसे तो जब भूख लगती है तब मेरी याद आती है, बाकी टाइम अपनी दादी की गोद में तो कभी चाची, चाचू, बुआ और ना जाने किस किस के पास रहती है। ये शैतान नहीं छोड़ता मुझे तो। उन दोनों को बातें करते दे निखिल और आदित्य वहाँ से जाने लगे तो शुभि ने आदित्य को रोकते हुए पूछा, आपने नाश्ता कर लिया? आदित्य ने शुभि की बात सुन फीका सा जवाब देते हुए कहा, हम्म। वो दोनों अब वहाँ से चले गए। तभी शुभि ने अब सोनम को रचना और रचना की वजह से आदित्य और उनके बीच हुई अनबन के बारे में बताया तो सोनम ने भी आदित्य की साइड लेते हुए कहा, बिल्कुल ठीक किया जीजू ने। सोच, जीजू ने उसे जेल में नहीं डलवाया, वरना ऐसी लड़कियों को तो पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। शुभि ने हाँ में अपना सिर हिला दिया और फिर धीरे से कहा, पर सोनम, उसके पापा ने बहुत मेहनत कर उसका एडमिशन करवाया था। आई नो शी डिजर्व्स पनिशमेंट, पर उसके पेरेंट्स ये सब डिजर्व नहीं करते। शुभि और सोनम बात कर ही रहे थे कि तभी अनीता जी वहाँ आई और उन्होंने सोनम को देख खुश होते हुए कहा, अरे सोनम। सोनम भी उनकी आवाज सुन अब उनके पास चली गई तो शुभि ने भी अब अपना फोन उठा आदित्य को मैसेज करते हुए कहा, मुझे बात करनी है आपसे। आदित्य ने उसे जल्दी ही रिप्लाई करते हुए कहा, रचना के बारे में? शुभि ने उसे गुस्से वाली इमोजी सेंड की। वो सेंड किया तो उधर से आदित्य ने लाफिंग इमोजी सेंड कर दी और फिर थोड़ी देर बाद एक मैसेज सेंड किया, दिन में बात करेंगे अभी सब हैं। इस पर शुभि ने उसे रिप्लाई करते हुए पूछा, ठीक है पर क्या आप गुस्सा है मुझसे? इस पर आदित्य ने उसे मैसेज भेजा, शायद नहीं, तुम हो क्या? शुभि ने उसका मैसेज पर रिप्लाई करना चाहा था कि तभी सोनम ने उसे आवाज देते हुए कहा, ओ हेलो, कहाँ खो गई? शुभि उसकी आवाज सुन झेप गई पर फिर उसने अगले ही पल सोनम पर भड़कते हुए कहा, सोनम। वहीं दूसरी तरफ मयंक उठकर नीचे आया और दादाजी के पास बैठा तो उसे इधर उधर देखते हुए दादाजी से पूछा, यार दद्दू, नानी नहीं दिख रही? मयंक की बात सुन दादाजी बोले, पर खुदार, ध्यान बीवी से हटाकर घर में लगाओगे तभी तो पता चलेगा ना, ये सारे मेहमान कल ही चले गए। मयंक ने उनकी बात सुन चिढ़ते हुए कहा, मतलब मौका ही नहीं छोड़ते ना मेरी टांग खींचने का। इस पर दादाजी ने कहा, बिल्कुल नहीं, तुम छोड़ते हो हमें। वो दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी अर्चना जी वहां आई और उन्होंने मयंक को ऐसे सर्द मौसम में बिना टी शर्ट के बैठे देखा तो उस पर चिल्लाते हुए कहा, मयंक क्या है, ठंड लग जाएगी। मयंक ने दादाजी के शॉल में एडजस्ट होते हुए कहा, अरे कहा माँ, आप मुझे मेरी कॉफी लाकर दे दो। तभी नैना मयंक की कॉफी लेकर वहां आई तो मयंक ने अर्चना जी को रोकते हुए कहा, माँ आज मेरा चाय पीने का मन है, वो भी आपके हाथ की। अर्चना जी उसकी बात सुन बोली, अच्छा रुक जा अभी बना कर लाई। वहीं नैना अब अपना मुंह लटकाकर कॉफी वापस ले जाने को हुई तो दादाजी ने उन दोनों को देख नैना को रोकते हुए कहा, अरे बेटा तुम ये कॉफी मुझे दे दो। नैना ने हाँ में सिर हिला दिया और कॉफी दादाजी को देकर चली गई तो दादाजी ने मयंक से कहा, वैसे कॉफी बहुत अच्छी बनी है। ये सुन मयंक दादाजी को घूरने लगा तो दादाजी मुस्कुरा दिए। कुछ देर बाद अर्चना जी मयंक के लिए चाय लेकर आई और मयंक ने जैसे ही चाय का एक घूंट मुंह में लिया था कि तभी वहाँ सुरेंद्र जी आ गए। उन्हें देखते ही मयंक के मुंह से चाय निकलकर सुरेंद्र जी पर जा गिरी और मयंक जोर जोर से खांसने लगा। दादाजी ने मयंक की पीठ सहलाते हुए कहा, अरे आराम से पी, इतनी जल्दी क्या है। वहीं सुरेंद्र जी मयंक को गुस्से में देखने लगे थे, आखिर उसने उनके पूरे कपड़े खराब कर दिए थे, पर मयंक उसकी इस वक्त शर्म से हालत खराब थी। Thank you.
तो खाने की आती खुशबू को महसूस करते हुए उससे पूछा, अरे वाह, आज कोई दावत है क्या? इस पर मनु ने मुस्कुराते हुए कहा, बड़ी भाभी वो क्या है ना, आज छोटी भाभी ने खाना बनाया है, वो भी स्पेशल, देखिए तो। तभी मयंक वहाँ आ गया। सुरेंद्र जी को देख उसने अब अपनी नजरें नीची ही रखी। आज संडे था तो सब घर पर ही थे, इसलिए आज सब लंच एक साथ ही करने वाले थे। मयंक अपनी जगह पर आकर बैठा तो नैना ने जल्दी से उसे खाना सर्व करना चाहा, पर मयंक ने उसे रोकते हुए कहा, रहने दो मैं खुद ले लूंगा। उसकी बात सुनकर सोनम ने उसे टोकते हुए कहा, अरे करने दो ना उसे। तभी मनु ने भी मयंक को छेड़ते हुए कहा, हाँ और नहीं तो क्या भैया, आज छोटी भाभी ने सबके लिए कुछ न कुछ बनाया है, एंड गेस व्हाट, भाभी ने आपके लिए आपका फेवरेट गाजर का हलवा बनाया है। उसकी बात सुन मयंक ने मुंह बनाते हुए कहा, अच्छा पर मुझे बस माँ के हाथ का हलवा अच्छा लगता है। मयंक की बात सुन नैना, जो कि उसे हलवा सर्व करने ही वाली थी, वो ऐसा करते हुए रुक गई। वो अब मयंक के पास से हट सबको खाना सर्व करने लगी। सभी को समझ आ गया था कि दोनों में कुछ अनबन हो गई है, इसलिए सब अब चुपचाप खाना खाने लगे थे कि तभी अर्चना जी ने नैना से कहा, बहू तुम रहने दो, अब कोयल सबको सर्व कर देगी, आओ तुम भी खाना खा लो। नैना ने उनकी बात सुन मना करते हुए कहा, नहीं माँ आप सभी खाएं, मैं बाद में ही खाऊंगी। ये कहते हुए नैना ने सभी को हलवा सर्व किया सिवाय मयंक के। मयंक अब नैना को देखने लगा, पर उसने अब उसे एक बार भी नहीं देखा। सबका खाना हुआ तो नैना सब ले जाकर किचन में रखने लगी कि तभी मयंक ने किचन में जाकर उसे पकड़कर अपनी गोद में उठा लिया। नैना इस सब से चिल्ला उठी और उसे मयंक के कंधे को पकड़ते हुए कहा, ये क्या कर रहे हैं आप, कोई आ जाएगा। मयंक ने उसे आंख दिखाते हुए कहा, चुप। इस पर नैना ने मुंह फुला लिया और इसे मुंह फेर लिया। ये देख मयंक मुस्कुरा दिया और वो नैना को ऐसे ही गोद में उठाए ही किचन से बाहर ले आया। इधर उधर देखते हुए वो अब जल्दी से नैना को अपने साथ ऊपर ले गया। रूम में आते ही मयंक ने नैना को गोद से उतारा तो नैना उसे गुस्से में देखने लगी। मयंक ने उसे देखते हुए पूछा, मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो? नैना ने ये सुन अपनी आंखें फैलाते हुए कहा, क्या मैं इग्नोर कर रही हूँ? नैना ने मयंक के सीने पर मारते हुए कहा, आप कर रहे थे वो भी सुबह से, मेरे हाथ की कॉफी नहीं पी आपने, पता है कितनी मेहनत से वो हलवा बनाया था मैंने, क्योंकि आपको पसंद है, पर व्हाट यू डिड, और मैंने बस थोड़ा सा इग्नोर किया तो आपको मिर्ची लगी। मयंक नैना की बातें सुन खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं पाया। नैना आज इतने खुलकर उस पर नाराजगी जता रही थी, वो भी बिना डरे बिना किसी झिझक के बिल्कुल बीवी की तरह लड़ रही थी। मयंक ने अब उसे थोड़ा और छेड़ते हुए कहा, हाँ तो मैं नाराज था तुमसे, तुमने एक बार भी मनाया मुझे। नैना ने उसकी बात सुन जल्दी से कहा, अच्छा मनाया नहीं, आपके लिए खाना बनाया मैंने, ये आपको अच्छा लगेगा, पर आप तो एक बार भी मेरी तरफ देख भी नहीं रहे थे। मयंक ने नैना का हाथ पकड़ उसे अपने पास खींचते हुए कहा, ओके चलो तो अब देख लेता हूँ तुम्हें वो भी अच्छे से, और रही बात तुम्हारे बनाए हलवा खाने की तो वो मैं तुम्हारे हाथ से खाऊंगा। नैना मयंक की बात सुन उसे देखने लगी तो वो अब मुस्कुरा दिया। उसे देख नैना ने धीरे से पूछा, आप अब गुस्सा नहीं है? मयंक ने नैना की कमर को पकड़ उसे अपने और करीब करते हुए कहा, सच कहूं तो था मैं गुस्सा पर अब नहीं। नैना ने उसकी बात सुन उससे पूछा, पक्का? मयंक ने हाँ में सिर हिला दिया और एक बार फिर नैना को गोद में उठा बेड पर बिठा दिया, उसके सामने बैठ गया। उसे नैना को अपने हाथों से हलवा खिलाना चाहा तो नैना ने अपना मुंह खोल दिया। नैना ने भी अब मयंक को हलवा खिलाया तो उसे नैना की तारीफ करते हुए कहा, अरे वाह तुम रोने के अलावा खाना भी अच्छा बनाती हो। नैना ने उसकी बात सुन एक बार फिर उसके सीने पर मारा तो मयंक ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसके हाथ पर किस करते हुए कहा, नैना सॉरी कल के लिए। उसकी बात सुन नैना ने उसे देखते हुए कहा, वो मैं कल डर गई थी। मयंक ने नैना को अपने पास खींच गले से लगाते हुए कहा, जानता हूँ मुझे भी समझना चाहिए था लेकिन मैंने तुम पर गुस्सा दिखा दिया। मयंक और नैना इस समय एक दूसरे के करीब लेटे हुए थे एक दूसरे की बाहों में। मयंक ने नैना को देखते हुए कहा, नैना हम एक काम करते हैं, पहले अच्छे दोस्त बनते हैं फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड और फिर हस्बैंड वाइफ, व्हाट से? नैना ने उसकी बात सुन मयंक को देखते हुए पूछा, सच में क्या आप मेरी फ्रेंड बनेंगे? मयंक ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, हाँ अगर तुम चाहो तो। इस पर नैना ने उसके पास से उठते हुए कहा, तो फिर ठीक है आज से हम फ्रेंड्स हैं। उसकी बात सुन मयंक ने उसे अपनी बाहों में खींचते हुए कहा, ओके। नैना ने झट से उससे दूर होते हुए कहा,
ए, नो चीटिंग, हम फ्रेंड्स हैं ना? तो फ्रेंड्स कब से इस तरह से एक दूसरे के क्लोज होते हैं? उसकी बात सुन मयंक ने उसे समझाते हुए कहा। हाँ पर हम, नैना ने मयंक को बीच में रोकते हुए कहा। नो, कुछ नहीं बोलना, फ्रेंड्स है ना, तो बिहेव लाइक फ्रेंड। ये कहते हुए नैना मयंक के पास से उठकर जल्दी से रूम से बाहर निकल गई। मयंक उसे हंसते देख खुद भी मुस्कुराते हुए बेड पर लेट गया और उसने अपने बालों में उंगलियां फेरते हुए कहा, ये मनु भी ना कुछ भी बोलती है। नैना बिल्कुल ठीक तो है,